हेलो स्टूडेंट, एनपीएस के यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का। कल हम लोग नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर तक पढ़े थे। आज उससे आगे हम लोग रैशनल नंबर की बात करेंगे। रैशनल नंबर होता क्या है? तो सबसे पहली बात है कि रैशनल नंबर होता क्या है। तो कल हमने एक टर्म बताया था आप लोगों को कि नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डिसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब यहाँ बात आती है कि नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डिसिमल है क्या। तो टर्मिनेटिंग डिसिमल वो डिसिमल जिसको हम भाग देने पर, वो डिवाइड करने पर वो क्या होता है, पूरी तरह कट जाता है। मतलब उसके बाद जो ये अगर कोई किसी ने भाग दिया, अगर 1/4 है, अगर इसको 1 भाग दिए 4 से, ये क्या होता है, यहाँ पे अगर भाग देते हैं 0.25, मतलब ये जो है 0.25 से पूरा पूरा कट जा रहा है। मतलब इसके बाद कोई भी नंबर ना तो रिपीट कर रहा है और ना ही कोई नंबर आ रहा, मतलब क्या टर्मिनेट कर रहा, मतलब यहाँ से ये नंबर खत्म हो जा रहा है। तो अब यहाँ बात है इरेशनल नंबर की। बात इरेशनल नंबर होता क्या है? इरेशनल नंबर होता है ए नंबर विच इज कैन नाइदर बी एक्सप्रेस एज ए टर्मिनेटिंग डिसिमल नॉर एज ए रिपीटिंग डिसिमल इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। मतलब वो नंबर जो ना तो टर्मिनेट करता हो और ना ही वो नंबर रिपीट करता हो, उस नंबर को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर कहते हैं। मतलब क्या कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डिसिमल और इरेशनल नंबर। आप कुछ एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल है कि 0.10, 100 या 1000, मतलब एनसोन, मतलब इस तरह से कि वो नंबर ना ही क्या कर रहा, रिपीट कर रहा, मतलब यहाँ पे 10 आ रहा और यहाँ पे क्या आ रहा है 100 आ रहा, इससे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है 1 3 0 आ जा रहा। मतलब ये जो नंबर है ना ही टर्मिनेट कर रहा है और ना ही क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इस तरह के डिसिमल को हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। अब एग्जांपल इसका है, ये तो डिसिमल वाली। अब अगर बिना डिसिमल की बात किया जाए तो क्या हो, एग्जांपल इफ एम इज ए पॉजिटिव इंटीजर If m is a positive integer which is not a perfect square, अगर m एक कोई positive integer है और वो m का जो रूट होगा, वो m अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है और वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो भी मेरा कहलाएगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। इसी तरह इसका एक और एग्जांपल ले लेंगे। ये तो स्क्वायर हो गया। अगर ये m एक पॉजिटिव इंटीजर हो और इसका एक परफेक्ट क्यूब ना हो, तो ये जो m क्यूबिक रूट m जो है वो क्या हो जाएगा, मेरा इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये आई बात हम लोग की इरेशनल नंबर पे। अब हम देखते हैं इसी में एक एग्जांपल है, क्या पाई एक इरेशनल नंबर है? ये जो पाई है क्या ये इरेशनल नंबर है?
तो हम बोल सकते हैं पा एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, क्योंकि ये जो पाए जो है ये क्या कर रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू इसका नहीं मेरे सामने निकल कर रहा है, इसलिए ये जो पाए है मेरा एक रेशनल नंबर है। लेकिन ये जो पाए का जो वैल्यू होता है ये 22/7, ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये जो 22/7 है ये क्या है, PQ के टर्म में है, इसलिए ये जो नंबर हो जाएगा मेरा रेशनल हो जाएगा, जबकि पाए जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। और ये 22/7 पाई का जो वैल्यू है वो मेरा हो जाएगा रेशनल नंबर। अब बढ़ते हैं इसके कि रेशनल नंबर का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, अब हम देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर मतलब कि दो इरेशनल नंबर का सम ये क्या हमें इरेशनल नंबर देगी, तो ऐसा नहीं है कि दो इरेशनल नंबर का सम वो हमें क्या हो सकता है, इरेशनल नंबर भी दे सकता है। एग्जांपल के तौर पर अगर देखें, एग्जांपल के तौर पर देखें, अगर देखें इच वन ऑफ टू प्लस रूट थ्री जो कि मेरा एक इरेशनल नंबर है, एंड 5 - √3 ये भी मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है। जब इस दोनों का सम करते हैं तो क्या ये इरेशनल नंबर देता है, तो हम यहाँ से देखते हैं कि 2 + √3 + 5 - √3 यहाँ से निकल कर 2 + √3 + 5 - √3 ये दोनों कट जाने के बाद यहाँ पर आ रहा है 7 जो कि एक इंटीजर आ रहा है, जो कि मेरा ये जो है 7 आ रहा है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है मेरा ये क्या है, एक रेशनल नंबर हो सकता है। इसके नीचे में बाय में 1 लिख सकते हैं, मतलब ये जो मेरा 7 आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक रेशनल नंबर आ रहा है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर दो इरेशनल नंबर को अगर सम करेंगे तो वो क्या होगा, इरेशनल ही देगा। अब इसी के का सेकंड नंबर है कि डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर नॉट बी एन इरेशनल, मतलब दो इरेशनल नंबरों का जो डिफरेंस होगा वो भी एक इरेशनल नंबर देगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि 5 + √3 एंड 2 + √3 इस दोनों का डिफरेंस करते हैं, 5 + √3 - 2 + √3 ये दोनों कट जाने के बाद यहाँ आ रहा 3 जो कि मेरा एक रेशनल नंबर है। अब इसी का एक थर्ड केस है
कि क्या दो एडिशनल नंबरों का जो प्रोडक्ट होगा, दो एडिशनल नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, क्या वो एक एडिशनल नंबर होगा? जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। Product of two rational irrational. मतलब थर्ड केस है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर वो भी क्या कर सकते हैं, एक इरेशनल नंबर नहीं दे सकता है। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। अगर एक कोई इरेशनल नंबर लेंगे √6 और √5 या √6 ही लेंगे, यहाँ से अगर इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जा रहा है कि √6 × √6 इसका √6 हो जा रहा है, जो कि ये मेरा क्या है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है। इसी तरह फोर्थ नंबर है, दो इरेशनल नंबरों का डिवीजन क्या वो इरेशनल नंबर होगा? तो देखते हैं इसका एक एग्जांपल। √2√3 ये एक एग्जांपल है, √2√3/√3 ये क्या है मेरा, ये √2√3 ये भी मेरा क्या इरेशनल नंबर है, और ये √3 है ये भी क्या है मेरा इरेशनल नंबर है। ये दोनों कर जाने के बाद यहाँ मेरा 2 आ रहा है, ये जो 2 मेरा है ये भी क्या है मेरा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है। तो यहाँ से ये समझ में आया कि दो इरेशनल नंबरों का जो सम होता है वो इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, और दूसरा है कि दो नंबरों का जो अंतर है वो भी क्या हो सकता है, रेशनल नहीं हो सकता है। अब है कि इरेशनल नंबर को और नंबर लाइन, मतलब इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करेंगे तो देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि √2 को हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक लाइन ड्रॉ करना होगा। यहाँ पे 0 लिए और 1 यूनिट था, डिस्टेंस लेके कट करते जाएंगे नंबर लाइन पे। तो √2 को क्या करना है, नंबर लाइन पे लेना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस लाइन पर यहाँ से एक यूनिट का डिस्टेंस लेकर ये 1 पे क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट का नाम हम लेते हैं ए। ओ ए का जितना मेजर होगा, लेंथ होगा, यही लेंथ क्या करेंगे,
एक ए पॉइंट से इस परपेंडिकुलर लाइन पे कट करेंगे और इसका नाम देते हैं हम लोग बी। जहां भी ये कट करेगा इसको हम क्या करेंगे, ओ से मिला देंगे। ये जो ओ बी है यही मेरा क्या है, रूट टू है। अब कह रहा है कि रूट टू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए, इसलिए हम क्या करेंगे, ओ बी का एक रेडियस लेकर, ओ बी एक रेडियस लेके क्या करेंगे, एक आर्क लेंगे जो एक नंबर लाइन पे कट करेगा। जहां पे ये कट करेगा यही पॉइंट मेरा रूट टू होगा। तो अब बात आती है कि कैसे हम समझेंगे ये जो जिस पॉइंट पे कट किया है ये रूट टू होगा। तो हम देखते हैं कि ये जो फिगर है, ये रूट टू, ये बी, ये ओ, ये ए और यहाँ पे ये रूट टू। जब हम ओ बी एक रेडियस लेकर जब एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो जब यहाँ से ओ बी मेरा रूट टू होगा तो क्या ये ओ बी बराबर, यहाँ पे नाम देते हैं ए डैश, ओ ए डैश क्या दोनों तो रेडियस ही है सर्कल का, रेडियस ही सर्कल का, इसलिए ये जो ओ बी रूट टू है यहाँ से ओ डैश ए भी मेरा क्या हो जाएगा, रूट टू हो जाएगा यहाँ से। तो ये मेरा हो गया रूट टू। अगर बोला जाए इसी पे कि रूट थ्री का रूट थ्री को हम कैसे नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे, इसके लिए देखते हैं। क्या करेंगे रूट थ्री को लोकेट करने के लिए, सबसे पहले हमें रूट टू को लोकेट करना होगा। रूट टू को लोकेट करने के बाद इस पॉइंट पर एक और 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना होगा। और नंबर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो ओ ए 1 सेंटीमीटर है यहाँ से भी हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर यहाँ से काटेंगे और इसका नाम दे देंगे सी। इसको क्या करेंगे, सी को ओ से मिलाएंगे। अब क्या करेंगे इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए ओ सी एक रेडियस लेकर क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे जो यहाँ नंबर लाइन पे कट होगा वही मेरा क्या कहलाएगा, रूट थ्री। इस तरह से हम रूट थ्री लोकेट करेंगे। अब रूट फोर तो मेरा एक रेशनल नंबर ही है, क्योंकि रूट फोर का जो वैल्यू होता है वो हम लोग का क्या निकल कर आता है, टू निकल के आता है। तो आइए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल कि रूट फाइव को एक नंबर लाइन पे क्या करना, रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए हमें एक नंबर लाइन लेंगे, नंबर लाइन पे एक पॉइंट जीरो, एक वन, एक टू, इसी साइड इधर भी लेंगे माइनस वन, माइनस टू। अब क्या करेंगे इस टू पर एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे एक लाइन टू पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे
पॉइंट ए पर एक यूनिट का जीरो से लेके, जिस तरह जीरो से लेके वन तक एक यूनिट है, यहाँ से एक यूनिट का डिस्टेंस लेकर परपेंडिकुलर लाइन पे एक कट मारेंगे, कट करेंगे और इस पॉइंट को जीरो से, ये जो जीरो पॉइंट है उससे क्या करेंगे, मिला देंगे। ये जो मेरा लाइन होगा यही होगा रूट फाइव। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक ओ बी, ओ बी रेडियस लेकर एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे और ये नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगा यही लाइन मेरा होगा रूट फाइव होगा। तो हमें नंबर लाइन ड्रा करने से पहले ये जानना होगा कि टू लॉक एट रूट एन ऑन नंबर लाइन देन लॉक एट रूट एन माइनस वन ऑन नंबर लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल। हमें क्या करना होगा, कोई भी रूट को अगर रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, उससे पहले वाले को क्या करना होगा, हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा। जिस तरह से यहाँ रूट फाइव, यहाँ पे रूट एन, मतलब ये जो एन बराबर क्या है फाइव है, तो इससे पहले हमें क्या करना होगा, एन माइनस वन लॉकेट करना होगा, मिनिम मतलब फाइव माइनस वन इसकल टू रूट फोर इसकल टू टू, ये लोकेट करना होगा कहाँ पे, नंबर लाइन पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रूट फाइव को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। इसी तरह से और भी आगे रूट सिक्स है, रूट सेवन है, इस सब को क्या करना होगा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब एक आता है इसमें और भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए डिसिमल में, जिस तरह से यहाँ रूट फाइव है, यहाँ पे एक नंबर दे दिया रहेगा 9.3 रूट, इसको कैसे करेंगे तो हम देखते हैं। तो रूट अंडर 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन लेना होगा, ये लाइन ए ओ, ये जो लाइन होगा ये 9.3 यूनिट का होगा। और क्या करेंगे, ये पॉइंट ओ से एक यूनिट का और आगे लेना है, मतलब ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट बी पॉइंट तक, मतलब ए बी पॉइंट लेना है और ओ से लेकर एक बी का जो पॉइंट होगा वो एक यूनिट का होगा। अब हम क्या करेंगे, इस ए बी लाइन को क्या करना है, पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है, इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करना है। इससे पहले हम जानते हैं कंपास की जरूरत पड़ता है, तो हमें क्या करना होगा, कंपास से इस लाइन का हाफ से ज़्यादा लेकर कट करेंगे इस, और एक बी पॉइंट से कट करेंगे और ये दूसरा ए पॉइंट से कट करेंगे। ये जिस पॉइंट पे कट करेगा यहाँ से उसको मिला देंगे, मिला देंगे। ये जो पॉइंट होगा मेरा, इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम सी। अब क्या करना है, एसी एक एसी का एसी लेंथ का एक रेडियस लेकर एक सर्कम एक सर एसी लेंथ लेकर एक क्या करेंगे, एक हाफ सर्कल ड्रा करेंगे और हाफ सर्कल ड्रा करने के बाद इस पॉइंट ओ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और ये परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद एक लाइन ड्रा करेंगे और ये लाइन इस हाफ सर्कल को, ये जो हाफ सर्कल है इसको जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट से सी को मिला देंगे। ये जो मेरा ए ओ है यही मेरा होगा 9.3। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, ए ओ को क्या करना होगा, एक रेडियस मान के एक सर्कल ड्रा करना होगा। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ओ पर एक कंपास रखेंगे और पॉइंट ए से एक क्या करेंगे,
सर्कुलर ड्रॉ करेंगे और ये सर्कल नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे काटेगा, ये जो पॉइंट होगा ये मेरा होगा 9.3। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में आएंगे कुछ बुक के न्यूमेरिकल पोर्शन लेकर।